दोस्तों कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का जुनून हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। वो कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कर दिखा एक बहुत ही गरीब परिवार का लड़का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जो आज किसी पर्चे का मोहताज नहीं है। नाम है मनोज डे। मनोज डे का जन्म 12 जुलाई 1997 को झारखंड राज्य के धनबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम भीखू मोदक है और इनके माता के नाम के बारे में कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। मनोज डे का पूरा नाम मनोज मोदक है, जो कि एक बंगाली परिवार से आते हैं और ये अपनी वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि इनका परिवार पहले बंगाल में ही रहता था और बाद में झारखंड में आकर रहने लगे और वहीं पर इनका जन्म हुआ है। मनोज डे की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इनके पिता एक साइकिल की दुकान पे पंचर बनाने और साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे, जिससे दिन का 200-250 रुपये मिल जाता था और इसी से इनका गुजारा चलता था। इनका परिवार भी बड़ा था, जिसमें इनकी दादी, पापा, मम्मी और इनकी दो बहनें भी थीं। ये सभी एक कच्चे मकान में रहा करते थे जो कि मिट्टी और खपरेल से बनी हुई थी। अगर इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के एक सरकारी स्कूल में हुई और वहीं से इन्होंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई भी पूरी की। जब ये 10वीं पास कर लिए थे तो इनके पिताजी ने इन्हें एक कंप्यूटर गिफ्ट किया, लेकिन वो कंप्यूटर भी कर्ज लेकर खरीदे थे। तब ये कंप्यूटर पाकर बहुत खुश हुए थे। फिर इन्होंने सरकारी स्कूल से ही अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की। इंटर पास करने के बाद ये डिप्लोमा या बीटेक करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी ज़्यादा पैसे चाहिए था, तो फिर इन्होंने सोचा कि आईटीआई कर लेते हैं। फिर आईटीआई करने के लिए भी 15,000 रुपये चाहिए थे। तब इन्होंने अपना कंप्यूटर बेच दिया और आईटीआई में एडमिशन ले लिया। साथ ही अपना पैकेट मनी निकालने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिए थे। कैसे भी करके इन्होंने अपना आईटीआई भी पूरा कर लिया। आईटीआई की पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। आईटीआई पूरा करने के बाद इनके घर से दबाव पड़ने लगा कि तुम कोई नौकरी कर लो। इसी दौरान अपने कुछ दोस्तों के साथ गुजरात के एक साड़ी कंपनी में काम करने के लिए गए और वहाँ उनका इंटरव्यू हुआ और ये सिलेक्ट हो गए। लेकिन सैलरी कम होने के कारण और कंपनी में ज़्यादा गर्मी होने के कारण इन्होंने उस काम को छोड़ दिया और 7 दिन बाद फिर वापस धनबाद आ गए। फिर घर आकर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे और साथ ही एक साइबर कैफे में पार्ट टाइम नौकरी भी करने लगे। साइबर कैफे से इनको 1,000 रुपये मिलते थे और ट्यूशन से 1,000 रुपये मिलते थे। दोनों मिला के इनके महीनों के 2,000 रुपये मिल जाते थे। अगर इनकी यूट्यूब जर्नी की बात करें तो साइबर कैफे में काम कर ही रहे थे तभी इन्होंने एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया था कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, और इसी वीडियो को देख कर वे एक सिंगिंग चैनल शुरू किए। लेकिन कुछ अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के कारण वो चैनल छोड़कर फिर एक कॉमेडी चैनल शुरू किए, जिसमें गांव के ही लड़कों के साथ मिलकर वीडियो बनाया करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इस चैनल पर 30 सब्सक्राइबर ही गेन कर पाए। फिर भी 6 महीने तक काम किए लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने के कारण, और फिर इन्होंने सोचा कि भाई इसमें करियर नहीं है। तब इन्होंने एक टेक चैनल शुरू किया जिसका नाम था टेक्निकल मनोज, जिस पर ये मोबाइल गैजेट्स और टेक से जुड़े जानकारियाँ बताते थे। धीरे धीरे ये चैनल ग्रो कर गया और डॉलर बनना शुरू भी हो गया। लगभग $80 बन चुका था तभी इनका गूगल एडसेंस बंद हो गया। तब ये बहुत दिनों तक डिप्रेशन में चले गए थे। लगभग 1.5 महीने बाद फिर इन्होंने सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखते हैं। उस समय जियो नया नया लॉन्च हुआ था जो कि फ्री में इंटरनेट देता था। वही सोच करके फिर इन्होंने 24 नवंबर 2016 को मनोज डे नाम से चैनल शुरू किया और इस पर यूट्यूब से जुड़े टिप्स और जानकारियां देने लगे। लेकिन इसी बीच यूट्यूब का नया फीचर आ गया कि चैनल मोनेटाइज के लिए 4,000 घंटा वॉच टाइम और 1,000 सब्सक्राइबर लास्ट 365 दिनों में चाहिए, तभी चैनल मोनेटाइज होगा। इनको एक झटका लगा, ये सोचे कि भाई रहने दो, मेरे पास का ये यूट्यूब नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे और वीडियो बना के अपलोड करते रहे। हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और 4 महीने में ही
4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए और चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज दिया, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद ही चैनल मोनेटाइज हुआ और वही चैनल अभी तक चल रहा है, जिस पर आज के समय में 36 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इनके 2 और भी चैनल हैं जिसका नाम मनोज डे ब्लॉग्स और मनोज डे पोस्टकार्ड। अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो पता चलता है कि अभी अनमैरिड हैं, शादी नहीं किए हैं और बहुत से लोग इनको कहते हैं कि इनकी गर्लफ्रेंड है, तो हम आपको बता दें कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और जिस लड़की को इनके साथ आप वीडियो में देखते हैं उनका नाम ज्योति महतो है, जो कि मनोज डे की पड़ोसी है और ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। चलिए दोस्तों इनकी इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो मनोज डे के सालाना इनकम 45 से 55 लाख के बीच है और ये कुछ महीने पहले इंडिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी के सेमिनार में भी गए थे और यूट्यूब की कमाई से गांव में मकान बना चुके हैं और दूसरा मकान धनबाद शहर में बनवा रहे हैं। आज के समय में इनके पास 2 2-व्हीलर और 2 4-व्हीलर हैं और अभी भी ये यूट्यूब पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारियाँ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।